तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को फिर से आज सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप लगातार ट्विटर में ट्वीट करना होगा। 24 सितंबर का जो ट्विटर का प्रोग्राम था वो अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप सभी के पास फिलहाल अभी दिसंबर महीना में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। तो अभी आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने का। और ये संग्राम हम सभी भाई बहन का है, अकेला कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। और हम सभी को अभी महासंग्राम नॉन स्टॉप लगातार 10 दिन तक करना होगा। आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने मेरा कम्युनिटी बॉक्स में मैंने सभी को क्वेश्चन किया था, पूछा था कि जो जस्टिस फॉर SSC GD 2018 जो टैग है, आप सभी को पता है इस टैग में कल नॉन स्टॉप लगातार 7 लाख से ज़्यादा भी ट्वीट हो चुका था। लेकिन फिलहाल एक प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे लोग सिट इंक्रीज का जो तो मतलब टैग है उसको भी यूज कर रहे थे। तो प्लीज़ वो टैग आज ना यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए। और बहुत लोग बहुत कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। और आज का ट्विटर का प्रोग्राम होगा सुबह 10 बजे से 11:30 PM तक, दोपहर 3 तक, क्योंकि अभी ट्रेंड करना होगा। कल ट्रेंड हुआ था लेकिन इतना भी खास नहीं, 2 मिनट के लिए ट्रेंड हुआ था, फिर से नीचे, मतलब कहाँ चला गया पता नहीं था। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा। और आप सभी लोग बहुत कुछ गलती कर रहे थे, और क्या गलती है एक बार देख लीजिए। और देखने के बाद आप सभी लोग इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरत है सीट इंक्रीज का। इस बार आप भी कर सकते हो, किसी बच्चे का लाइफ सेट, किसी बहन का लाइफ सेट, मतलब आपके हाथ में सब कुछ है। आप तो घर में ही बैठे रहते हो, जस्ट ट्विटर में ट्वीट कीजिए और जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर कर दूंगा, विदाउट स्किप करके वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि अभी मैं ट्विटर अकाउंट में हूँ, तो साथियों देख सकते हो बहुत सारे लोग जो एक काम कर रहे हैं ना कि ये जो मैसेज अभी आपको ऐसा भी कुछ लिखना होगा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ये टैग लिख के छोड़ दे रहे हैं। भाई ऐसे काम नहीं होगा। हाँ ट्रेंड पे आ जाएगा लेकिन इससे काम नहीं होता है, आपको ये भी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना होगा क्या नहीं सब कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। देख सकते हो सभी लोगों ने क्या अच्छा अच्छा बात लिखी है, ऐसे ही आपको क्या करना होगा, ठीक है? देख सकते हो ये जो लिखा है, जय हिंद सर, हम लोग SSC GD 2018 के कैंडिडेट है, भर्ती हमारी आखिरी भर्ती है। देख सकते हो ऐसे जो लिखा है आपको ऐसे ही कुछ लिखना होगा, ऐसा ना कीजिए। मतलब जस्टिस पर SSC GD 2018 को लिख दिया। और एक बात, SSC GD 2000 GD लिखने के बाद ये जो नीचे अंडरस्कोप है इसको भी यूज करना, उसके बाद 2018, ठीक है? तो चलिए, और मेरा जो 2 अकाउंट है आप उसको फॉलो करना। और एक कुछ बात आप लोग फिलहाल सुन लीजिए, ठीक है? रिलेटेड है तो आज का टॉपिक ट्वीट से रिलेटेड है। देन 2-3 दिन से आप लोग देख ही रहे थे कि ट्वीट के लेकर के काफ़ी टेंशन, काफ़ी टैग, काफ़ी कंफ्यूजन था। सो फाइनली आज ट्वीट हुआ और रिजल्ट ठीक ठाक ही था, मतलब उतना बढ़िया भी नहीं था, उतना खराब भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट जितने कैंडिडेट है उस हिसाब से उतना बढ़िया नहीं था, मुझे तो उतना बढ़िया नहीं लगा। बिकॉज जितने कैंडिडेट है ना उस हिसाब से ट्रेंडिंग वन में जाना चाहिए था, बट थैंक्स टू ऑल जिसने भी कोशिश करा, बहुत अच्छी बात है। और एक बात करना था कि आप, मैंने देखा कि बहुत से लोग ट्वीट कर रहे थे और वो सिर्फ हैशटैग यूज कर रहे थे और गवर्नमेंट को टैग कर रहे थे, ठीक है? उससे ठीक है टैग तो ट्रेंडिंग में जाएगी, बट उससे एक बात है, हमें अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना। तो उसके लिए ना आप कुछ लिखो, अपनी प्रॉब्लम को लिखो कि क्यों चाहते हो कि आपकी हर किसी को सिलेक्शन हो, क्यों कोई बाहर ना हो, तो उस चीज़ को आप प्रॉपरली लिखो। बहुत से लोग लिख रहे थे, बहुत से लोग नहीं लिख रहे थे, तो उस चीज़ को आप लिखो, ठीक है? गवर्नमेंट तक अपनी समस्या को बताओ कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर आप उसमें लिख नहीं पाते हो या लिमिटेड वर्ड लिखना होता है तो आप काम करो, एक पेन पेपर पे लिख लो और लिख दो अपनी जितनी भी अंतर आत्मा की आवाजें है ना, लिख दो। अरे आप सिंपल सा बैठ के सोचो कि अगर आप ये सब नहीं करते हो, सीट इंक्रीज नहीं होती, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे? उतने लोगों की फैमिली की उम्मीद उनसे जुड़ी है, जो कि 2 साल से, मतलब जब से फिर आपका रिजल्ट आया है तब से आपको फैमिली आपको एक सपोर्ट के रूप में देख रही है कि ये अब फैमिली का सपोर्ट हो जाएगा, ये बंदा मतलब अब फैमिली अच्छे सुधर से, फैमिली की हालत सही हो जाएगी, मतलब एक आप उम्मीद की किरण हो अपने घर के लिए।
एक बुरे कंडीशन में एक आप उम्मीद की किरण देखते हो कि हाँ बस कुछ दिन की बात है, बेटे या बेटी की जॉब लग जाए फिर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वो चीज़ के सोच के देखो कि कल को खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होती आपकी सिलेक्शन, आपसे कहीं ज्यादा दुखी ना आपके माँ पापा होंगे, आपकी फैमिली, आपकी बहन, आपके भाई दुखी होंगे। इस चीज को आप कभी सोचते हो? ट्वीट करते टाइम आपके माइंड में आता है ये बात ना? अगर आप ट्वीट कर रहे हो, जब आपकी माइंड में आएंगी ना, आप 50 ट्वीट करोगे ना तो आप डबल कर दोगे, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो। फैमिली हमें बताएगी नहीं कि बेटा हमें कितना तकलीफ हो रहा है, लेकिन जितना आप ज्यादा सैड होगे ना, कहीं आपसे ज्यादा वो सैड होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मतलब 1000 लोग बोल चुके हैं कब जा रहा है आपका बेटा, कब जाएगा आपके बेटा। अभी कभी आपने, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? आप बैठे हो, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, आपकी बहन ने कभी बोला है कि भाई बंधवा ले राखी, अगली बार पता नहीं तू हो, तू तो ट्रेनिंग करेगा। भाई ने बहन से बोला बहन बांध ले, अगली बार तू रहेगी नहीं रहेगी? भाई साहब आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपनी इमोशन को लिखो ना उसमें, गवर्नमेंट तक पहुंचाओ ना कि अब ये जॉब आपके लिए कितनी जरूरी है, आपकी फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। हैशटैग से नहीं काम चलने वाला, ठीक है? और दूसरी बात टैग को लेके है, तो कल कुछ लोगों ने बोला था कि भाई तुम क्यों 1000 सब्सक्राइबर्स के वाले यूट्यूब चैनल की बात सुन रहे हो, हमारे तो 36,000 हैं, हमारी बात सुन लो। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई आप 1000 वाले से ज़्यादा नॉलेज रखते हो, क्योंकि आप तो यूट्यूबर हो, 36,000 सब्सक्राइबर वाले हो। तो जहाँ पे टैग के लेके प्रॉब्लम था, आपने अलग टैग बनाया आई एम अग्री विथ यू, तो आप वहां पे बोल सकते थे ना कि सिर्फ यही नहीं, आप दोनों टैग यूज करके चलो, सारी समस्याएं खत्म। लेकिन आप नॉलेजेबल हो, तो आपने नॉलेज का कैसे परिचय दिया, यूनिटी डिवाइड करके, तो पता ही चल गया कि आप कितने महान हो। और बहुत से लोगों ने साथ दिया नहीं दिया, तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, ये बस शुरुआत है, आज का शुरुआत है। एक बात याद रखना, 10 बजे 10 दिन आज से लगे रहना है, जब तक गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आती, ठीक है? और गवर्नमेंट तो ऐसे डिक्लेयर नहीं करेगी, एक बात क्लियर कर दो, गवर्नमेंट कभी डिक्लेयर नहीं करेगी कि 50,000 सीट बढ़ाएंगे, 10,000 सीट बढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्लेन कर सकते हैं जो कि फिजिकल के बाद बाहर हुए हैं, गवर्नमेंट रेशियो मेंटेन करती है। तो ये बात आप माइंड में रख लो, गवर्नमेंट एक नोटिस दे सकती है कि हाँ होगा, और जो सीटिंग रेस का चीज है वो फाइनल मेरिट के साथ होता है। ये बात को आप माइंड में रखो, प्लीज अपने दिल से डर निकाल दो, जो डर रहे ना कि भर्ती वो लोग कैसे कर देंगे, वो चीज़ एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट पहले कभी नहीं करेगी। एक नोटिस दे देगी कि हाँ हम हर किसी का सिलेक्शन लेंगे, बट ये चीज़ कभी नहीं करेगी, पहले से ये नहीं बोलेगी मैंने 10,000 सीट बढ़ा दिया, 20,000 सीट बढ़ा दिया। तो इस चीज़ को माइंड में रखो, दबा के ट्वीट करो, हारना नहीं है। जस्टिस फॉर SSCGD _2018 पे दबा के ट्वीट मारो, आज आपने देख ही लिया वो काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल थे, कल ट्रेंडिंग वन में जाना चाहिए। बस लग जाओ यार, छोड़ो दुनियादारी, लग जाओ। और हाँ, जो 1000 सब्सक्राइबर वाले की बात है कि भाई वो कैंडिडेट है, और कैंडिडेट से कैंडिडेट को बेटर ना कोई नहीं समझ सकता। आपने अपना धंधा खोल रखा है, वो कैंडिडेट अपने सपोर्ट के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए खोल रखा है कि लोग उससे जुड़े एक दूसरे की, हमारी कैंडिडेट ने भी कैंडिडेट है ना, तो उनकी यूनिटी बने। सो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए माइंड में, इंसान में घमंड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है ना, लोग सोचते हैं कि मेरा टैग ट्रेंड करे तो मेरा नाम ग्रो होगा, तो भाई साहब कैंडिडेट हो, और कैंडिडेट का भी एक यही प्रॉब्लम है। कैंडिडेट के क्या प्रॉब्लम है ना, कि देखते हैं इसके बंदे की तो 36,000 सब्सक्राइबर है, 50,000, 3 लाख सब्सक्राइबर, भाई इसकी बातें सही हो। अरे आप कैंडिडेट हो ना, आप सही चीज़ को सपोर्ट करो, आपका कैंडिडेट एक कैंडिडेट से बेटर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? कैंडिडेट को कैंडिडेट ही समझ सकता है, वो यूट्यूबर है, वो कुछ भी बोलेंगे, उनका अपना चैनल ग्रो करना है, तो आप उन पर ध्यान मत दो। कैंडिडेट हो, कैंडिडेट की बात सुनो, और यूनिटी में रहो, और जम के दिखाओ यूनिटी। और क्या ही मैं बोलूँ, आप लग जाओ 10 दिन 10 बजे जमा देना है, ठीक है?